धारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप इस बच्चे का स्वागत करें। बैनर लगा हुआ है एक शाम राष्ट्र के नाम। देखिए मैं एक निवेदन आप सभी से विशेष तौर पर करना चाहता हूं कि हमारे जो ये महनीय रचनाकार लोग बैठे हैं अपने आप में वर्ण है, आप सभी लोग इन बात को जानते भी हैं, प्रामाणिक तौर पर सिद्ध भी है, लेकिन मेरा ये मानना और आप सभी लोग इस बात को मानते भी होंगे कि जो आपके आंगन का सबसे छोटा बेटा होता है, जो अपनी माँ का सबसे लाडला सबसे छोटा बेटा होता है, उसे थोड़ा अतिरिक्त प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग मेरे सम्मान भी तालियां बजा दें। मैं रचना इस माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले एक छंद के माध्यम से मां भारती की अर्चना करने के उपरांत फिर जैसा आदेश होगा मैं रचनाएं पढ़ूंगा, प्रस्तुत करता हूं, सुनेगा। कि राष्ट्र की अखंडता बचाने है तो लिख सको लेखनी में मेरी मां रवानी वही चाहिए। वाह, मां से क्या मांग करते हैं हम सभी लोग। कि राष्ट्र की अखंडता बचाने है तो लिख सकूं लेखनी में मेरी मां रवानी वही चाहिए। और करते श्रवण जिसे तन मन होवे धन्य, मुझे राम सीता की कहानी वही चाहिए। और पाप और प्यास को जो पल में ही दूर करे, पाप और प्यास को जो पल में ही दूर करे, मुझे मेरी गंगा माँ का पानी वही चाहिए। और भारती की आरती में शीश जो चढ़ा गए हैं, भगत सुभाष की जवानी वही चाहिए, भगत सुभाष की जवानी वही चाहिए। धन्यवाद। इसी विधा का एक छंद और पढ़ना चाहता हूं कि भारती के मान हेतु राजस्वाभिमान हेतु व्यभिचार प्राणियों में बंद होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पहले पर्दे पर नग्न बदन पर नाचने वाले लोगों को अपना नायक समझ लेते हैं। हमारा असली नायक कौन सा होना चाहिए, मैं उस नायक को यहां पर रूपांतरित करने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। कि भारती के मान हेतु राष्ट्र स्वाभिमान हेतु व्यभिचार प्राणियों में बंद होना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति का किंचित न हो प्रभाव, ईर्ष्या त्याग ईश्वर आनंद होना चाहिए। और बाबर की नीतियां बताने वाले पृष्ठों पर, मेरा संकेत समझिएगा कि बाबर की नीतियां बताने वाले पृष्ठों पर मेरा सुर तुलसी का छंद होना चाहिए। और चाह में करीना की जान को लुटाने वालों, युवा दिल में बस विवेकानंद होना चाहिए, युवा दिल में बस विवेकानंद होना चाहिए। माफीनामे के साथ कि कल ही लिखी है तो शायद रचना मुझे थोड़ी देखनी पड़ेगी, इसलिए मुझे आप अनुमति प्रदान करें, मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। कि आओ गाथा गाएं प्यारे हम उनके बलिदान की, सुनेगा। कि आओ गाथा गाएं प्यारे हम उनके बलिदान की, लगा दिए जो देश वास्ते बाजी अपनी जान की, लगा दिए जो देश वास्ते बाजी अपने जान की। तो कोई तुलना नहीं है जग में, कोई तुलना नहीं है जग में भारत देश महान की, भारत देश महान की। और चंदन से पढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की, चंदन से पढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की। हमारा हिंदुस्तान कैसा है सुनेगा। कि भारत ऐसा देश जहां पर राणा का अवतार हुआ, भारत ऐसा देश जहां पर राणा का अवतार हुआ, जहां सपने आजादी वाला आखिर में साकार हुआ, जहां सपने आजादी वाला आखिर में साकार हुआ, जहां नमन करते हैं सारे भगत राज सुखदेव को। और अब एक नाम पढ़ता हूं और आपको जालौर का इतिहास याद आ जाए तो मैं सुनना चाहता हूं। कि जहां नमन करते हैं सारे भगत राज सुखदेव को, कौन भूल सकता है बोलो अपने धीरम देव को, कौन भूल सकता है बोलो अपने धीरम देव को। जहां सिंह के दांत गिने जाते हैं जबड़े खोल कर, जहां सिंह के दांत गिने जाते हैं जबड़े खोल कर, जहां वीर फांसी चढ़ जाते भारत माँ की जय बोल कर, जहां वीर फांसी चढ़ते भारत माँ की जय बोल कर, जहां जहां प्राण से ज्यादा कीमत। अब मैं आपको एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं
कि जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस पर आधारित रचना सुनेगा कि जहां जहां प्राण से ज्यादा कीमत होती थी जुबान की, चंदन से पढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की, चंदन से पढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की। अगली पंक्ति सुनेगा कि जहां कन्हैया की वंशी राधा को पास बुलाती है, जहां कृष्ण के प्रेम में मीरा जहर घोट पी जाती है, जहां कृष्ण के प्रेम में मीरा जहर घोट पी जाती है, और जहां सुदामा से कान्हा ने यारी खूब निभाई है, क्या बात है, जहां सुदामा से कान्हा ने यारी खूब निभाई है, जहां राम के गुण को गाती मानस की चौपाई है, जहां राम के गुण को गाती मानस की चौपाई है, और जहां राम पद के अनुरागी भरत से त्यागी भाई है, जहां राम पद के अनुरागी भरत से त्यागी भाई है, जहां लिए अवतार दया के सिंधु राम रघुराई है, जहां लिए अवतार दया के सिंधु राम रघुराई है, तो सिया राम के संग जय बोलो, सिया राम के संग जय बोलो, पवन पुत्र हनुमान की, चंदन से बढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम। चंदन से बढ़कर हाथ उठा करके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। और इस रचना का अंतिम बंद स्वागत आज के पद से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और कवि का स्वाभाविक तौर पर एक आचरण होता है, वो किसी का नाम नहीं लेता है, मैं संकेतों में बात करता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग, कि जहां स्वार्थ के बंधन वाले परीक्षक कि जहां स्वार्थ के बंधन वाले गीदड़ झुंड अनेक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे ठगबंधन की बात कर रहा हूं, नाम बिल्कुल नहीं, कि जहां स्वार्थ के बंधन वाले गीदड़ झुंड अनेक हैं, सीना तान के लड़ने वाला बब्बर शेर तो एक है, जहां पोखरण परमाणु की शक्ति की एक मिसाल है, जहां चंद्रयान कर जाता पल में बड़ा कमाल है, जहां चंद्रयान कर जाता पल में बड़ा कमाल है, और जहां जहां आज भी गूंज रही है पूज्य अटल जी की वाणी, याद कीजिए कि जहां आज भी गूंज रही है पूज्य अटल जी की वाणी, और जहां सिंहासन पर बैठा है शेर एक हिंदुस्तानी, जहां सिंहासन पर बैठा है शेर एक हिंदुस्तानी, और जितनी करूं पढ़ाई कम है, इस फकीर इंसान की, चंदन से पढ़कर है मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की। धन्यवाद। चंदन से